इतना लेके आए हैं कि आम आदमी पार्टी को एक एक बूथ तक पहुंचाना है हरियाणा में और हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दो मुख्यमंत्रियों को साथ में बिठा के, पॉलिटिकल लोग ही तो हैं, आपस में विचार विमर्श करके समाधान क्यों नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी ऐसी मीटिंग में नहीं जाते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो चुका है काम। जब खुद हरियाणा सरकार की बारी आएगी तो क्या हालत होगी इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। अनुराग ढांडा के लिए क्या माना जाए, अभी कलायत से तैयारी है? देखिए पूरे हरियाणा से तैयारी है और कभी भी ये सपना नहीं रहा कि इतने छोटे सपने में अपने आप को नहीं बांध सकते। अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया, जो उन्होंने पंजाब के लिए किया, वो हरियाणा के लिए भी, हरियाणा के लोगों के लिए भी उससे 10 गुना अच्छा कर सकें। तो मुझे लगता है कि हम वो सपना लेके आए हैं कि आम आदमी पार्टी को एक एक बूथ तक पहुंचाना है हरियाणा में और हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित करना है। हम उस सपने के साथ मेहनत करते हैं, आगे जो पार्टी का निर्देश होगा, जहाँ से निर्देश होगा, हम तो टकराने के लिए हमेशा तैयार हैं। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, आप दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में भी इस बार हमारी सरकार आएगी, तो आपको लगता है कि SYL का मुद्दा सुलझ जाएगा? देखिए मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा और पहले भी कई बार हम ये बात कह चुके हैं, SYL का मुद्दा कब का सुलझ गया होता। SYL के मुद्दे को ये पार्टियां सुलझाना नहीं चाहती। जो भी आज तक राजनीति में रहा, कोई भी पार्टी हरियाणा की राजनीति में रही हो, आप उनसे पूछते क्यों नहीं कि भाई क्यों नहीं समाधान हुआ आज तक इस मुद्दे के ऊपर। बीजेपी दो दो बार ऐसा मौका आया, केंद्र में भी उनकी सरकार, पंजाब में भी उनकी सरकार, हरियाणा में भी उनकी, कर देते यार समाधान, क्यों नहीं किया समाधान। अब तो सुप्रीम कोर्ट का इसका मतलब ये लोग समाधान नहीं करना चाहते कभी भी। अब अगर मैंडेट भी आ गया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दो मुख्यमंत्रियों को साथ में बिठा के, पॉलिटिकल लोग ही तो हैं, आपस में विचार विमर्श करके समाधान क्यों नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी ऐसी मीटिंग में नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 15 मिनट इस मुद्दे के ऊपर टाइम दे दीजिए, चाय पीते हुए ही सही इस पर चर्चा कर लेंगे, मैं भी समाधान चाहता हूँ। 15 मिनट का टाइम नहीं दिया आज तक अरविंद केजरीवाल जी को। पिछले चुनाव में बोले 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मोदी जी उस पानी को रोकेंगे और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान को देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल भी निकल गए, अगला चुनाव भी हो गया, वो पानी की एक बूंद रोक के कोई दे दो ना, इधर भी हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कल्याण हो जाए सबका, वो काम नहीं करेंगे। इसका मतलब इन मुद्दों के ऊपर ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हम इन मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते, हम गूढ़ प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं ताकि लोग आपस में टकराते ना रहें। देश में जहां भी पानी की कमी है उस कमी को पूरा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं देश में कहीं भी पानी की कमी नहीं हो, जहां भी पानी की कमी है डिस्ट्रीब्यूशन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नड्डा जी लोकसभा में दोनों का 5-5 का रहा, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अब लगातार घोषणाएं कर रही है, जिस तरह से नायब सैनी को भी CM के रूप में प्रोजेक्ट किया गृहमंत्री अमित शाह ने, उस पर क्या किया? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो चुका है काम। लोकसभा चुनाव में हाफ हुए, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होंगे, तो ये अब बीजेपी का जाना तय है। चेहरे बदलने हैं तो मैं तो कहता हूँ और 2-3 महीने हैं, और एक दो ट्राई कर लो, क्या पता उनसे बात बन जाए। खट्टर साहब का चेहरा इन्होंने बदला तो उससे क्या हुआ, नतीजे तो फिर भी वही रहे, लोग मन बना चुके थे। नाराज़गी तो विधानसभा चुनाव से है ना, नाराज़गी तो हरियाणा की सरकार से थी, जो प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, युवाओं की बेरोज़गारी चरम पे, किसानों के ऊपर अत्याचार, कोई मुद्दा, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, OPS देने को तैयार नहीं है, कोई मुद्दा उठा के देख लीजिए, जो भर्ती नहीं कर पाए, पेपर लीक जो हुए, नाराज़गी हरियाणा की सरकार से थी। केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला तो 5 सीट चली गई। जब खुद हरियाणा सरकार की बारी आएगी तो क्या हालत होगी इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। मुझे लगता है कि डबल डिजिट में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में छूने नहीं जा रही है। और नायब जी जब से मुख्यमंत्री बने, अब उनको समझते समझते इतना टाइम निकल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, कल यहाँ आ रहे हैं सिरसा में, आप लोग भी पूछिएगा कि जी यहाँ 2 साल पहले आपने कहा था कि एक हॉस्पिटल बनाएंगे बड़ा, यहाँ कैंसर इतना बढ़ रहा है, नशा इतना बढ़ रहा है, ज़रूरत है इस इलाके को उस अस्पताल की। 2 साल हो गए तो टेंडर नहीं करा पाए, नींव का पत्थर नहीं रख पाए। एम्स हमने देखा है अभी तक वो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले कह रहे थे एम्स बनवाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ शगुफे छोड़ते हैं, जुमले छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन जुमलों को लोग समझ चुके हैं, इस बार इनको सज़ा देंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कदावर नेता अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार धड़ल्ले से बनेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।